बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। माननीय कुलपति महोदय और मेरे प्यारे दोस्तों, औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से मेरा नाता है, क्योंकि सिवनी में मेरी पैदाइश है और मेरे तमाम जो रिश्तेदार हैं सिवनी, छिंदवाड़ा और परासिया में। लिहाजा जब भी मैं भोपाल या मध्य प्रदेश में आता हूं तो मेरे लिए नॉस्टैल्जिया और कई मुद्दों से जुड़ी ये जो है मौका रहता है। वैसे दीपक जी ने मेरे साथ ज्यादती की है कि उन्होंने जो विषय दिया है वो दिया है कि टेलीविजन रिपोर्टिंग एंड एंकरिंग। अब किसी व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि भैया भारत में स्पीच दो, बहुत बड़ा और बहुत व्यापक विषय है और वक्त कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत कुछ कहा जाना चाहिए, जिस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप में से कौन लोग यहां पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है? कैन आई हैव अ शो ऑफ हैंड्स? ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप वहीं खड़े होकर इसका जवाब दे सकते हैं। आप लोग टेलीविजन रिपोर्टिंग को कैसे परिभाषित करेंगे? कैन आई हैव अ शो ऑफ हैंड्स? कोई लंबा चौड़ा नहीं, एक दो सेंटेंसेस में। हाउ वुड यू डिफाइन टेलीविजन रिपोर्टिंग? अरे शर्माइए मत, देखिए स्टूपिड आंसर्स और अगर नादान आंसर से घबराना नहीं चाहिए। आपके जहन में जो है वो आप कहिए। कोई है जो बोलना चाहेगा इस पे? यस, हाँ बोलिए, आ जाएगा, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं आपकी बात को दोहरा दूंगा। ठीक, आप बंधु जो बात कह रहे हैं ना वो पत्रकारिता को लेकर परिभाषा है। मैंने बहुत स्पेसिफिक आपसे पूछा था कि हाउ वुड यू डिफाइन टेलीविजन रिपोर्टिंग। मैं चाहूंगा कि कोई विद्यार्थी अगर इसका जवाब दे सके, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। जी बोलिए। ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत। मैं लगभग यही बात कहना चाहता था, मगर इन्होंने मुझसे भी बेहतर कहा। टेलीविजन इज अबाउट टेलिंग अ स्टोरी थ्रू विजुअल, तस्वीरों के माध्यम से कहानी कहने की विधा को टीवी रिपोर्टिंग कहते हैं। हो क्या गया है दोस्तों, मैंने अपनी टेलीविजन की जो ट्रेनिंग है ना वो किसी संस्था से नहीं थी। 1995 में कोई संस्थाएं भी नहीं थी, गिनी चुनी संस्थाएं थी मेरे ख्याल से। क्या माखनलाल यूनिवर्सिटी में उस वक्त टीवी का कोर्स था? नहीं था शायद 1995 में। IMC था शायद, या एक आध कोई ऐसा इंस्टीट्यूट रहा होगा। मुझे जो तमाम ट्रेनिंग मिली है टीवी को लेकर वो न्यूज ट्रैक जैसी संस्था से मिली है, जो इंडिया टुडे का। और आपको याद होगा कि न्यूज ट्रैक भारत का पहला इंडिपेंडेंट न्यूज मैगजीन था। अब हमें जो सिखाया जाता था जब हमसे टेप्स लॉग कराए जाते थे और बाद में जब हमसे एडिट कराई जाती थी स्टोरी, तो हमसे कहा जाता था कि भाई जो स्क्रिप्ट लिखी है आपको उसी हिसाब से उसको एडिट करना है। मगर उसमें होता क्या था कि जब आप न्यूज गैदरिंग के लिए जाते थे, यानी कि जब आप फील्ड में जाते थे, तो आप उस हिसाब से शूट करते थे, उस हिसाब से फिल्म करते थे। और जब आप डेस्क पर आते थे तो जो आपने फिल्म किया है आप उस हिसाब से उसे एडिट करते थे, उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखते थे। वो तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। कैमरामैन क्या शूट करता है, रिपोर्टर क्या लिखता है, डेस्क क्या करता है, इसमें कोई तारतम्य नहीं है, इसमें कोई लिंक नहीं है। ये टेलीविजन रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी त्रासदी है। मैं जो आपसे कह रहा हूं दोस्तों वो क्लासिकल यानी कि जो पारंपरिक टीवी रिपोर्टिंग होती क्या है। क्योंकि देखिए, जब तक आप तस्वीरों के जरिए अपनी कहानी ना लिखें तब तक टेलीविजन की खूबसूरती सामने उभर कर नहीं आ सकती। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे टेलीविजन जर्नलिज्म का मतलब वो जो प्राइम टाइम में रात को 9 बजे 8 बजे 7 बजे आप देखते ही भीड़ को बिठा लिया जाता है, एक विक्टिम बना दिया जाता है और उस पूरे 1 घंटे या 2 घंटे के शो में सब उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। दैट इज नॉट जर्नलिज्म, दैट इज नॉट टेलीविजन जर्नलिज्म। देखिए, वो रियलिटी टेलीविजन हो सकता है, यानी कि ठीक है अगर आपको वो जर्नलिज्म लगता है
मुझे लगता है कि फिर आपको बिग बॉस भी जर्नलिज्म लगना चाहिए। जर्नलिज्म नहीं है दोस्तों, वो लेजी जर्नलिज्म है, आलसी जर्नलिज्म है, क्योंकि फील्ड में भेजकर आपसे काम कराने में संस्था के रिसोर्सेज लगते हैं, आपका दिमाग लगता है, आपको कंसेप्चुलाइज करना पड़ता है, आपको खबर ढूंढ के लानी पड़ती है, आपके पास खबर होती है, जब आप फील्ड पर भी जाते हैं तो आप उसे कैसे शूट करेंगे, आप उसे कैसे फिल्म करेंगे, इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना पड़ता है। यानी कि एक क्रिएटिव प्रोसेस चलता है। एक डिबेट में क्या होता है, आपने एक प्रोपेगेंडा तय कर दिया, मुलाकात कर रहे कमलनाथ जी, विषय तय कर लिया और उस विषय के हिसाब से लोगों को लड़ाया जा रहा है, उसमें ना रचनात्मकता है, ऊपर से किस्म का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, जिसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा मैं। मगर एक व्यक्ति जो फील्ड में उतरता है उसमें संस्था के रिसोर्सेज जाते हैं, बल्कि सबसे अहम बात सत्ता की जवाबदेही तय होती है। क्योंकि जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, जब आप जमीनी हकीकत लाते हैं, तो तब सत्ता को सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अगर कमलनाथ जी ने दावा किया कि मैंने तमाम किसानों के ऋण चुका दिए, मगर जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको उसकी हकीकत पता चलती है, तब जवाबदेही तय होती है सत्ता की। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैंने दस्तक एक दस्तक दो के तहत इंसेफ्लाइटिस पर पूरा कंट्रोल कर दिया है, मगर जब आप जमीन पे जाते हैं तो ये धावा कितना खोखला होता है, तब आपको पता चलता है। ये होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग और प्रोपेगेंडा के बीच का फर्क। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि टेलीविजन रिपोर्टिंग, देखो टेलीविजन रिपोर्टिंग है ना दोस्तों, वो जर्नलिज्म की आत्मा है, वो एक न्यूज चैनल की आत्मा है, और अफसोस ये है दोस्तों धीरे 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 इसे खत्म किया जा रहा है। अमूमन जब मैं विद्यार्थियों से बात करता हूं तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता हूं। मैं आपको तीन क्लिप्स दिखाऊंगा दोस्तों, ये मेरी रिपोर्टिंग के क्लिप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला हूं जिससे मैं आज तक अपने आप को जुदा नहीं कर पाया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब उस बच्चे ने अपनी मां के कंधे पर दम तोड़ा था, वो लम्हा आज का लम्हा है। इंसेफ्लाइटिस एक ऐसी स्टोरी है जिससे मैं खुद को जुदा नहीं कर पाया हूं। इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी जो मेरा प्रेजेंस बना वो एक वीडियो के जरिए बना था, एक फेसबुक लाइव के जरिए बना था, जिसका नाम था कि तुम में हिम्मत है अभिसार शर्मा। और उसके बाद एक बाद एक मैं फेसबुक लाइव करता गया, मगर वो पहला वीडियो था। उसके बाद मैं जमीन में गया था और वो रिपोर्ट की थी, उस रिपोर्ट का नाम था 1,00,000 बच्चों का कातिल। और उसके कुछ दिनों बाद दोस्तों जब मैं वायर में के लिए कंसल्टेंसी कर रहा था, तब उनके लिए मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो दावा कि मैंने दस्तक एक दस्तक दो के जरिए इंसेफ्लाइटिस का समाधान कर लिया है, उसकी हकीकत मैंने उसके जरिए उजागर की थी। ये रिपोर्ट जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको पहले सिर्फ 3 मिनट दिखाना चाहूंगा। आप ये रिपोर्ट देखिए और 2-3 चीजें जहन में रखिएगा। तस्वीरों के जरिए कहानी बयां करना, शॉक एलिमेंट, और वो खबर जो आपको आप पर इंपैक्ट करे, ये 3 एलिमेंट्स पर हम इसे देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। क्या आप ये बारे में कर सकते हैं प्लीज? चालीस साल खामोशी, कौन सुनेगा इन पक्षों की पुकार? इनकी चीख को तब भी अनसुना कर देंगे हम? इन्हें डर होगा, मतलब कहीं मालूम भर जाता, हमको पता नहीं रहा, मतलब कहां भर जाए, कैसे हमके काका हो जाए। तब भी सरकारें मोदी सरकार से भी भरोसा उठ गया कि वो कुछ करेगी। इनकी आवाजें फिर होगी दफन, मगर सबसे पहले
कोलकाता से लेके इस गांव में इस वक्त बिजली का ना होना सामान्य बात थी, मगर इस अंधेरे में चलते हुए जिस हकीकत से हम रूबरू होने वाले थे उसके लिए तैयार नहीं थे। हम जिस मंजर को देख रहे थे उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। हमारे सामने था ऐसा शख्स जिसे उसी के मां बाप ने पिछले 12 सालों से एक खूंटे से रस्सी से बांधा हुआ था, एक जानवर की तरह। आज वाकई अल्फाज नहीं है मेरे पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हेमंत पांडे को, हेमंत पांडे जिन्हें खूंटे से बांध दिया गया है। मां हेमंत पांडे कोई जानवर हो और वो इसलिए कि पिछले करीब 13-14 साल से इन्हें दिमागी ज्वर है यानी एंसेफलाइटिस, और ये एंसेफलाइटिस की विरासत। इनका परिवार करे भी तो क्या करे, क्योंकि हेमंत पांडे पिछले कई सालों में न जाने कितनी बार यहां मौजूद जंगल की तरफ भाग चुके हैं, और इन्हीं की सुरक्षा के लिए इनके मां बाप ने इस तरह से उन्हें खूंटे से बांधा हुआ है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंसेफलाइटिस इस तरह से न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम न सिर्फ हेमंत पांडे बल्कि उसी की तरह और न जाने कितने गुमनाम बच्चों की आवाज उनके चेहरे आप तक पहुंचाने वाले हैं। बहुत मुश्किल है सर, क्या करें, मजबूरी है इसलिए बांध रहे हैं। कितने सालों से आपको बांधना पड़ा है? 13 साल हो गए सर। 13 साल से आप बांध के रखे हुए हैं, वजह क्या है, क्यों बांधते? भाग जाते हैं, जंगल है, जंगल की तरफ भाग जाते हैं, कई बार पकड़ के लाए वहां से। बताइए, आप माँ हैं हेमंत की, आपके लिए कितना मुश्किल रहा इस तरह से अपने बेटे को खूंटे से बांध के रखना? सर मुश्किल बहुत है, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है। अगर खाना ना बनाए तो कैसे खाना सभी लोग पाए, और इसलिए बांधे रहते हैं, कब तक इन्हें पकड़े हैं। कुछ उपचार चल रहा है इनका, कुछ दवाई वाई दे रहे हैं? कुछ नहीं चल रहा है, हमारे पास पूजी ही नहीं तो मैं कहाँ पर दवाई कराऊँ। इलाज कराए काफी, बहुत दवा करा चुके लेकिन पूजी नहीं, अभी बिटिया का इलाज चल रहा है। तो ये बताइए, इनके भविष्य के बारे में क्या सोचा है, क्या इसी तरह से खूंटे से बांधे रहेंगे? अब क्या करें सर, जब हमारे पास मजबूरी है तो क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बाकी जितनी बार मैं इस तस्वीर को अपने सामने देख रहा हूँ, ये तस्वीर एक करारा तमाचा है सभ्य समाज पर, ये तस्वीर एक करारा तमाचा है हमारी गवर्नेंस पर। जी हाँ, हमारी सरकारें किस तरह से चलती हैं, अगर ये आवाज, ये तस्वीर आपको नहीं हिला पा रही है, ये दर्द आपको नहीं हिला पा रहा है, वो दर्द जो कि माँ बाप के चेहरे पर दिखाई देता है, तो मैं नहीं जानता क्या दर्द हमें हिला पाएगा। अगर अब भी हमारा दिल इससे नहीं पसीजता है तो हम अंदर से पत्थर हो चुके हैं। मां अपने पेट को लगातार प्यार करती है, वो जानती है कि ऐसी तस्वीरें देखकर और ऐसी रिपोर्ट में जाकर आप इस समस्या की विकरालता को समझते हैं, और न जाने क्यों एंसेफलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीजों के साथ एक इमोशनल लिंक हो जाता है। किसी को तकलीफ होते देखता हूं और जब सरकारों का उदासीन रवैया देखता हूं। देखिए, एक तो होता है कि एक व्यावहारिक तरीका होता है, हम चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मगर मुश्किल तब होती है जब सरकार आपको भ्रमित करती, जब वो आपसे झूठ बोलती है कि हमने कंट्रोल कर लिया है। That is the biggest tragedy. मगर जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने नोटिस किया, this is all about visuals. It was all about conveying you a story via visuals. तस्वीरों के जरिए, इसमें कई चीजें थी जो मैं आप देखता हूं तो अवॉइड कर सकता हूं, ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक मैं अगर अभी मैं करूं तो शायद उसको हटा सकता हूं। दूसरा, शायद शुरू में मुझे नरेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर सोचिए, मैं चल रहा हूं अंधेरे से, कोई नरेशन की जरूरत नहीं है, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नथिंग, आई एम जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स। आप सोचने क्या होने वाला है, और फिर आप अचानक हेमंत पांडे से मिलते हैं। दैट इज टेलीविजन थ्रू विजुअल्स, और ये बात आपको समझनी होगी। दोस्तों, त्रासदी ये है कि पिछले 23 सालों में इतने इंस्टीट्यूट्स आ गए, मगर आई एम सॉरी टू से, मैं जब नए जर्नल से मिलता हूं तो तस्वीरों के जरिए कहानी बयान करने
की जरूरत कोई महसूस नहीं करता है। लोग जाते हैं फील्ड में, बाइट कलेक्ट करते हैं, आ जाते हैं, कोई लिंक नहीं है। और देखिए दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ये जो चीज बनती है ना, ये सिर्फ ठीक है मेरा ब्रेन चाइल्ड है, मगर ये टीम वर्क के जरिए। इस टीम में कौन लोग शामिल थे, हम दिन भर हम केस स्टडीज कर रहे थे। अगर आप ये पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत ही शॉकिंग केस स्टडीज है, मगर ये इस केस स्टडी जो है इसके लिए मैंने शायद 200-300 किलोमीटर मुझे मिल रहे थे ढेर केस स्टडीज, मगर ये केस स्टडी के लिए मुझे पता चला और हमने करीब 200 या 300 किलोमीटर ट्रैवल किया और खराब सड़कें थी वहां पे बिल्कुल, और हम गए थे वहां पर इस पर्टिकुलर केस स्टडी के लिए। मगर इससे जब आप एक रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं तो उसका इंपैक्ट ही अलग होता है। तो वो कैसे हुआ, स्ट्रिंगर्स से मेरी लगातार बात हो रही थी, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया यार ऐसा केस स्टडी है आप वहां जा सकते हैं। दूसरा मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, वो कैमरामैन जिससे लगातार बात कर रहा था, जब मैं हेमंत पांडे की केस स्टडी को फिल्मा रहा था उस दौरान मैं अपने कैमरामैन आदर्श से लगातार बात कर रहा था, हाउ इज दैट वी डू, ये बहुत इनसेंसिटिव ना लगे, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को अभी भी ये इनसेंसिटिव लग रहा हो, ठीक है अगर आपको लग रहा है तो मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए, मगर कहने का अर्थ यह है कि वो पूरी टीम वर्क होती है और जब आप रिपोर्ट आउट जाएंगे आप इस चीज को महसूस करेंगे। मगर हो सकता है कि जब आप रिपोर्ट पे जाएं तो आपके साथ जो कैमरामैन होगा वो आपसे कहीं ज्यादा सीनियर होगा, आप कहेंगे सर ऐसा करें क्या, वो कहेंगे जाना तू तेरे को क्या पता है, वो प्रॉब्लम का आप सामना करेंगे। मगर आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाए रखना है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखनी है, आपके अंदर एक स्टोरी को लेकर एक पूरा कॉन्सेप्ट एक पूरा प्लान होना चाहिए और फिर आप के साथ जो कैमरामैन है जो आपसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार है आप उससे बात करते रहिए, उससे उससे लगातार एक कॉन्टैक्ट बनाए रखिए। और देखिए जब वो भी देखेगा यार ये रिपोर्टर ये नया है बट यू नो ही टेकिंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट, ये कितना सीखने का मन है इसका, तो इससे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको एक दूसरी क्लिप दिखाना चाहता हूं, एक बार फिर ये कहानी आपके पड़ोसी राज्य की है छत्तीसगढ़ की, कहानी बस्तर की है दोस्तों, बस्तर और ये पूरे नक्सल प्रभावित इलाके हैं। हिंसा के शिकार सिर्फ आम इंसान और बेकसूर होते हैं। इस कहानी का मकसद ये था कि किस तरह से चाहे स्टेट वायलेंस हो या नक्सली वायलेंस हो, शिकार हमेशा आम इंसान होता है। एक पत्रकार की गर्दन नक्सलियों ने इसलिए रेत दी क्योंकि वो जो उस इलाके का नया पुलिस वाला आया हुआ था उसे वो इलाके की सैर करा रहा था, इसलिए नक्सलियों ने उसकी गर्दन काट ली। इस रिपोर्ट की शुरुआत होती है ऐसे केस स्टडी के साथ, वो व्यक्ति उसके पास आधार कार्ड है, बैंक डिटेल्स है, सब कुछ है, उसे एक नक्सली टेररिस्ट बता के मौत की घाट उतार दिया, रात को ले गई पुलिस, अगले दिन उसकी लाश आई। हम लोग जब इस रिपोर्ट करने गए थे तो हम लोग उन जगहों से गए थे जहां एक ही हफ्ते पहले लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे, उसके भी 2-3 मिनट में आपको बताऊं। दिस इज अगेन अबाउट कन्वेइंग अ स्टोरी थ्रू विजुअल्स, देखिए बच्चों के बाप एक आधार कार्ड धारक को नक्सली बता के मौत के घाट क्यों उतार दिया, सिर्फ शक के आधार पर नक्सलियों ने क्यों रेत दी पत्रकार की गर्दन। वो पत्रकार था मगर आतंकवादियों जैसा सुलूक क्यों, यार बच्चे लोग भी मेरे रोज पूछते हैं पापा कब आएंगे मम्मी, मुझे नहीं खाए क्या बोलेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई छेड़ रखी है। इस लड़ाई में हमारे जवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है और नक्सलियों को भी बेतहाशा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, मगर इस लड़ाई का एक तीसरा पहलू भी है जहां पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को भी
अप्रत्याशित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। एबीपी न्यूज की इस पड़ताल में जो सवाल हम यहां पूछने वाले हैं कि क्या यह लड़ाई मानवाधिकार हनन के चलते आगे बढ़ रही है। इस रिपोर्ट का आगाज होता है हिमा कश्यप की दिल दहला देने वाली दास्तान से। बस्तर जिले के अति संवेदनशील इलाके में बसे सालिंगा गांव का सफर लंबा तो था मगर तूभर और दुर्गम भी। पथरीले रास्ते से गुजरते हुए हमें स्थानीय गाइड ने चेतावनी दी कि यहां कुछ दूरी पर लैंडमाइन ब्लास्ट में 14 जवान शहीद हुए थे और इन रास्तों पर भी प्रेशर बॉम्ब हो सकते हैं। इस वक्त जब मैं अपने कैमरामैन मान के साथ इस जगह से हिडमा के घर की ओर बढ़ रहा हूं तो ये दरअसल एक अति संवेदनशील इलाका है, नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और इन झाड़ झंकाड़ को देखकर आपको यह अंदाजा लग रहा होगा कि यहां नक्सलियों का छिपना कितना आसान है। आपको ये देखकर भी अंदाजा हो रहा होगा कि जो सुरक्षा बल इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनका काम कितना मुश्किल होगा। मगर हिडमा की कहानी अपने आप में हमारे इन सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस पर कई सवाल खड़े कर रही है। इस गांव में बिजली सड़क तो दूर की बात थी, जिंदा रहने का संघर्ष था। सवाल ये, क्या जंगल की लड़ाई सिर्फ जंगल के कानून के तहत लड़ी जा सकती है। हिडमा गांव सुलिंगा का रहने वाला था और रात 3 बजे उसे उठा ले जाया गया था, 3 बजे, और अगले दिन उसकी लाश मिली थी। हम घुस रहे हैं हिडमा के घर में और यहां पर उसका पूरा परिवार रहता है, उसकी पत्नी, उसके पिता और उसके 7 बच्चे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये महिला है, ये उनकी पत्नी गुल्ला है और साथ ही उनके 7 बच्चे जिनको अभी आपसे कुछ देर पहले आपने देखा। उनके पिता भी हमारे साथ में हैं और स्वाभाविक सी बात है उस घटना को आज तक वो परिवार भूल नहीं पाया। पुलिस ने क्यों मारा उस शख्स को? आप कहते हो नक्सली समर्थक नहीं था, क्यों मारा पुलिस ने? नक्सली तो नहीं था क्योंकि उसके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, उसको ये अटल आवास इंदिरा आवास भी मिला हुआ है। ये कैसा नक्सली था? अपनी पत्नी और 7 बच्चों के साथ गरीबी मगर शांति का जीवन बिताने वाले हिडमा को पुलिस ने कैसे नक्सली मान लिया? एक चीज जो मेरे समझ परे है कि क्या किसी नक्सली का आधार कार्ड हो सकता है? आप देख सकते हैं हिडमा कश्यप का बाकायदा आधार कार्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसका राशन कार्ड था। तो ये चीज किसी भी समझ के परे है कि अगर कोई कट्टर नक्सली है जो ऑपरेशन में जुटा हुआ है या किसी तरह का समर्थक भी है तो शख्स का आधार कार्ड होगा या किसी तरह से उसका बैंक अकाउंट होगा या राशन कार्ड होगा। इन तमाम सवालों के जवाब यहाँ के सुरक्षा बलों और महकमे को देना नहायत ही जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा शख्स कैसे नक्सली हो सकता है? ये अभी की घटना है और इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच जारी है और मजिस्ट्रियल जांच में ये बात सामने आएगी कि इसमें यदि पुलिस का कोई भी कर्मचारी दोषी है और अधिकारी तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि प्रथम दृष्टि में इलाके के थाना इंचार्ज का खरे में है मगर हिडमा तो हमेशा के लिए खामोश हो गया है। डॉक्टर रमन सिंह के इस लोक सुराज अभियान अब आपको समझ आ रहा है कि आखिर क्यों सत्ता में बैठे लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के खिलाफ हैं। आपको समझ आई है दोनों रिपोर्ट्स देखने के बाद? क्योंकि जब आप इस हकीकत को सामने लाएंगे तो कुछ लोगों की ये असहज करने वाली स्थिति पैदा होगी और वो कौन होगी जिनके लिए असहज करने वाली स्थिति पैदा होगी? जो लोग पावर में बैठे हैं। And that is what we as journalists do. We question people in power. Rest is just propaganda. इसके अलावा आप चाहें तो प्राइम टाइम में लोगों को बिठाएं, लड़वाएं, हिंदू मुस्लिम डिबेट करें, करते रहें यहां पर तमाम चीजें। इससे ना समाज का भला होता है ना आपका भला होता है एज ए जर्नलिस्ट। आप अपने अंदर कितनी नफरतें पैदा करते हैं, खैर एक अलग बात है, वो उसके लिए आप किसी हीलर को बुलाइएगा टॉक के लिए कि हम अपने अंदर कितना वो पैदा कर रहे हैं।
दोस्तों मैंने जैसे कहा ना, एक बहुत ही व्यापक विषय है। मैं आपसे लगातार पूरे दिन बात कर सकता हूं, मगर मुझे समेटना भी हो अपने वक्त को। देखिए, आप लोग आज सोच रहे हैं कि मेरी चुनौती है खबर लाना, फिर उस खबर को मैं कैसे करूं, मगर क्या आप जानते हैं, कहने को आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मगर आपकी चुनौती जो है ना, वो जब आप खबर करके आते हैं तब शुरू होती है। क्योंकि आप जिस जज्बे के साथ एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, जरूरी नहीं है कि आपका जो डेस्क है या आपके जो संपादक महोदय हैं उनमें उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। आपको लग रहा है कि आप बहुत बेहतरीन खबर करके लाए हैं, और होगी भी। मसलन 1 लाख बच्चों का कातिल, क्या आप जानते हैं कि उस खबर को 5 बजे दिखाकर मार दिया गया था, 5 o'clock। हर किसी ने देखा कि यार ये 5 बजे क्यों दिखाया गया। अब हो सकता है संपादक महोदय को मेरी शक्ल ना पसंद हो, या हो सकता है कि वो व्यवस्था के लिए कुछ असहज करने वाले सवाल न रखना चाहते हो, ये बात अलग ही। चलिए, पोएटिक जस्टिस जैसे कहते हैं ना, इसी रिपोर्ट के लिए अभी इस साल की शुरुआत में मुझे रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस अवार्ड मिला था, तो ठीक है। हालांकि मुझे एंकरिंग के बारे में बात करनी है, मगर मेरा फोकस ज्यादातर रिपोर्टिंग भी रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में कि रिपोर्टिंग दरअसल आत्मा है जर्नलिज्म की और टीवी की। एंकरिंग पे मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा दोस्तों, आप उसे अगर 35 सेकेंड्स पे कर दें तो यह इसमें क्या है दोस्तों, साल 2011, ये वो दौर था जब आपको याद है रामदेव बाबा ने रामलीला मैदान में मजमा लगाया था और बीच रात में सलवार कमीज पहन के वो भागे थे। उस वक्त ट्विटर पर कोई सलवार कमीज चैलेंज नहीं चल रहा था, मगर उस वक्त मैंने उस वक्त की सरकार को कटघरे में रखा था कि निहायत ही गैर जिम्मेदाराना काम था। आप देर रात को पुलिस हमला कर रही है, देर रात को दिल्ली जैसी जगह में अंधेरे में आप हमला कर रहे हैं, कितने बेकसूर मारे भी जा सकते थे। और देखिए, अंधेरे में दिल्ली जैसी जगह में लोगों को इस तरह से छोड़ देना, और दिल्ली जैसी जगह में, यह अपने आप में कितना बड़ा रिस्क था। मेरे मेहमान थे वो जो कि श्योर शॉट टीआरपी का जरिया है, बता सकते कौन? या आपने लगता सुना है मेरा ये वाला वीडियो, लालू प्रसाद यादव थे। वो लालू प्रसाद यादव जो अगर आपके उसके आ जाते थे तो भाई उन्हीं के साथ, जिसे कहते ना हमारे टीवी में टर्मिनोलॉजी, खेलते रहना। मगर मैंने लालू जी से लगातार सवाल पूछा, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात। ये वो वक्त था जब शायद रेल मंत्री थे, मतलब ताकतवर मंत्री थे यूपीए सरकार के। मैं उनसे बार बार सवाल पूछता रहा, मगर वो तीनों बार उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरे शो पर लालू प्रसाद यादव के साथ ये पहली बार हुआ जब उन्हें शो से बाहर का रास्ता निकाला गया, क्योंकि उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आजकल तो खैर सवाल पूछना देशद्रोह से जोड़ा जाता है, वही गलत बात है, उस पर हम अलग बात में चर्चा करेंगे। 2 मिनट का क्लिप अगर आप दिखा दें, हम लालू प्रसाद यादव का रुख करना चाहेंगे जो मेरे साथ मौजूद है। लालू जी, जो अहम सवाल इस वक्त किया जा रहा है, कल रात 1 बजे का मंजर, सरकार कह रही है कि उनकी पुलिस कह रही है उनकी जान को खतरा है, सरकार ने कहा कि रामदेव ने वादा खिलाफी की, मगर ये बहुत बड़ा रिस्क उठाया, खतरा उठाया सरकार ने, रात को अंधेरे में इस तरह की कार्रवाई करना, लोगों की जाने जा सकती थी, औरतें और बच्चे थे, क्या आपको नहीं लगता है केंद्र सरकार की निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी? ये जो पैनल बैठाए हुए हैं, हम सब बकवास मत करो किसी से। मैं बोल लूंगा और उसके बाद सुनों का भाषण सुनते रहिएगा। भ्रष्टाचार और काला धन माइनस कांग्रेस पार्टी 2 सप्ताह से बेसी लोकसभा को हम लोगों ने स्टॉप किया। अरे ही नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, भ्रष्टाचार की चर्चा और बात और लड़ाई इस
इसी बात पर इमरजेंसी भी लगी थी। लोकनायक प्रकाश नारायण जी से बढ़ के न तो अन्ना हजारी है और न जो योग के ट्रेनर रामदेव जी हैं, जो भी नहीं है ये ट्रेनर है, आपने सवाल किए हैं, इसीलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। टोटल रिवोल्यूशन जयप्रकाश जी ने कहा था, जिसके तरफ दिशा में जेल में थे, बरसों जेल में हम रो रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बचाना है, बनाना है, और इस सवाल पर कालाधन के मामले में कि देश के किन किन लोगों का पैसा स्विस बैंक में, मॉरिशस में, बाहर में जमा है, इस सवाल पर लगातार पार्लियामेंट में और बाहर में चर्चा, भाषण वगैरह सब होते रहे हैं। लड़ाई यहां से शुरू हुई, अन्ना हजारे जी आए लोकपाल बिल बनाने में, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, लालू जी इसके अखबार सुनिए पर हम। लालू जी, मैं आपकी रूपरेखा नहीं सुनना चाहता हूँ। ये जो आप बातें कह रहे हैं, आप पिछले कई सालों से अपने पॉलिटिकल जीवन में कई बार कह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, कल पुलिस के दमन पर आपको नहीं लगता कि औरतें और बच्चों के होते हुए ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रुख था? देखिए बात सुन लीजिए, औरतें बच्चे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग थे, और जो भी हुआ हुआ या नहीं हुआ, कौन घायल हुआ नहीं हुआ, और आगे लालू जी मेरे पास भाषण को सुनने का, क्योंकि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं राशिद अली साहब आपके पास आना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि केंद्र सरकार अगर रात को 1 बजे पुलिस का बल भेजती, मगर ऐसा है कि बावजूद इसके उसके बाद भी मैंने एक बार लालू जी का इंटरव्यू किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि मैंने उनके साथ बदतमीजी नहीं की, अगर आपको लगा हो तो पता नहीं। मैं आई वॉज आउटरेज्ड, मुझे लगा कि जिस तरह की दिल्ली पुलिस की कार्रवाई थी वो ज्यादती थी, और वो आउटरेज मेरे चेहरे पर दिख रहा होगा और दिखना भी चाहिए। आप इंसान हैं, आप रोबोट नहीं है, और आप जाहिर सी बात है कि जो ताकत वाले उससे सवाल करेंगे, जो जवाब दे उससे सवाल करेंगे, और यही काम मैं वहां पर कर रहा था, और यही काम एज एन एंकर आपको करना है। मगर जब आप जमीन पे उतरेंगे तो तब आप हकीकत जाएंगे, और हकीकतें क्या है मैं चाहता हूं आप खुद डिस्कवर करें, बजाय मैं आपसे कहूं कुछ। मुश्किल है दोस्तों, हालात मुश्किल हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आपकी जद्दोजहद सिर्फ रिपोर्ट हासिल करने की नहीं होती है, आपकी संस्था का माहौल, संस्था के अंदर जो माहौल है, कई बार इतनी नकारात्मकता, हमने खासकर हिंदी टेलीविजन में, आदित्य यहां पर है, नैना यहां पर है, वो ना कहें बात अलग है, क्योंकि वो काम कर रही है संस्था में। नकारात्मक माहौल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा नकारात्मक माहौल है, और फॉर सम रीजन हिंदी टेलीविजन के अंदर हम एक दूसरे को नीचे खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से माहौल बहुत मुश्किल हो जाता है काम करने में। इसलिए मेरा आप लोगों के लिए एक ही मंत्र है, उस तमाम नकारात्मकता में, ऑफकोर्स प्रेशर एक और लेवल पे है गवर्नमेंट पे, बट दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट इट। आज हम आप लोगों की बात करेंगे, आपकी चुनौतियों की बात करेंगे, आप खुद को कैसे सुधार सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो नकारात्मक माहौल में इंसान कैसे खुद को बनाए रखे, उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपके लिए हमेशा एक डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन नहीं, मे बी अगर कोई आपकी लाइफ के पैशंस हैं, जैसे म्यूजिक है, मूवीज हैं, आपका परिवार के साथ वक्त है, इन तमाम चीजों को वैल्यू कीजिए, क्योंकि वो तमाम नकारात्मकता का काट ये है। ये बिल्कुल अलग लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक छोटा सा आपको मंत्र बता रहा हूं, खुद को दफ्न मत कर दीजिएगा उसमें, क्योंकि जैसे जैसे आप जाएंगे, देखिए अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग माहौल होता है,
कई जगहों पर आप देखेंगे चीज चिल्लाहट होती है, चिल्ला रहे होते हैं लोग, और फॉर नो रीजन, वो चीज बहुत ठंडे दिमाग से हो सकती है, मगर होता क्या है कि लोग काम करें ना करें मगर काम करने का दिखावा जरूर करते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, चीख चिल्लाकर। और अंत में दोस्तों एक उर्दू का शेर है जिसे मैंने सरल करके, जो आप लोगों का मंत्र भी बन सकता है, और उसे मैंने अपने फेसबुक के पन्ने पर भी लगा रखा है, कि तेज हवाओं से न घबरा ए बाज, तेज हवाओं से न घबरा ए बाज, ये तो आती ही है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। पता नहीं हमारा क्या स्ट्रक्चर है, मुझे बस इतना ही कहना था, आई होप कुछ सवालों के मैं जवाब दे पाया अपने इस प्रेजेंटेशन के जरिए। बाकी थैंक यू सो मच जी। सर आई हैव अ टू क्वेश्चन, सर मेरे दो प्रश्न हैं, एक सवाल, क्योंकि मैं चाहूंगा ज्यादा लोगों का सवाल ले सकूं। तो सर मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया अभी कि अगर आप किसी संस्था के अंतर्गत पत्रकार हैं, काम करते हैं, या आप न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं या एंकरिंग करते हैं, आपने अपना एक्सपीरियंस दिया सर, मेरे मन में कार्यक्रम के प्रारंभ से भी मैं पहले डाउट था और डाउट बढ़ गया है कि अगर हम किसी संस्था में काम करते हैं तो हम स्वतंत्र होकर पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कुछ इसी से लिंक करता है कि आप बोल रहे थे कि एंकरिंग कैसे करना है, सर मुझे लगता है कि यह डाउट भी सर क्लियर करेंगे कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट आती है आप उस पर अपना एंकरिंग का रिव्यू भी देते हैं, तो क्या उस स्तर की संवेदनशीलता, क्या उस स्तर का वास्तविकता हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में किसी न्यूज को पाना, फिर क्या उसी लेवल पर जिस लेवल पे आप रियलिटी बेस्ड न्यूज को पा रहे हैं समाज तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है सर। तो इसके लिए सर आप कुछ बताएं हमें, क्योंकि अगर आप सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं और अगर आप सिर्फ एंकरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आगे का क्या, वो एंकरिंग के बाद वो न्यूज जैसे आपने बोला कि आपका शो कर दिया गया था, तो क्या वो एंकरिंग करने का महत्व हुआ, क्या वो जो आप रिपोर्ट दिए वो सही तरीके से जैसी है वैसी बिना अड़बड़ के, बिना जो आजकल स्टंट चलता है स्टंट के, क्या वो सही तरीके से पहुंची है सर, वो डाउट है वो क्लियर करिए आप, क्या उसके लिए उपाय है? आपके सवाल में ही सारे जवाब थे, आपने सवाल नहीं पूछा अपनी राय दी, मैंने अपने आप को बहुत एनरिच महसूस किया आपकी बातों से। देखिए दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं यहां पर, ये जो एंकरिंग रिपोर्टिंग, देखिए सबसे पहले ये मेरा मानना है, ये सबका मानना नहीं है, मेरा मानना है कि अगर आप एक टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं तो सही रास्ता है कि पहले आप रिपोर्टिंग करें, उसके बाद आप जाकर किसी मुकाम पर आप एंकरिंग करें। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति जो एक स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग कर रहा है उसका जर्नलिस्ट होना बेहद जरूरी है। अगर वो जर्नलिस्ट नहीं है, अगर वो रिपोर्टिंग की बारीकियां नहीं समझता है तो एक अधूरापन है। ये मेरा मानना है। आई पर्सनली प्रेफर एंकर जर्नलिस्ट। ऐसा है नहीं, क्योंकि आज की तारीख में ऐसे कई लोग हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं, उन्हें कभी फील्ड में कदम नहीं रखा। ये मेरे लिए मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। लिहाजा बहुत जरूरी है कि आप जो है जब शुरुआत करेंगे करियर की तो ये सोच के मत जाइए कि मेरे को सीधा एंकर बनना है। नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज एन एंकर। आप देखो टेलीविजन, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड फॉरगेट, इट्स नॉट अबाउट जैक ऑफ ऑल। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ हैं। ये जरिया है कि आप डेस्क पर भी काम करें, डेस्क पर हाथ बटाएं, आप रिपोर्टिंग पे काम करें, फील्ड में जाएं, और धीरे धीरे कारवा बढ़ता है। होता क्या है कि आजकल जो नए नए बच्चे आते हैं उनको ऐसा लगता है मैं पहले दिन से एंकर बन जाऊं, और कई लोग बहुत ज्यादा मायूसी में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, एक रास्ता होता है और धीरे धीरे वो आप रास्ता आपको पता चलेगा जब आप व्यवस्था का हिस्सा हो जाएंगे। कोई और सवाल जी? देखिए आप ही को कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं यहां से क्या बोलूंगा। अभिषेक जी, आई एम आपके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन जर्नलिज्म। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे सूत्रों ने बताया कि जर्नलिज्म जो आजकल चल रही है, जो जर्नलिस्ट हैं वो ज्यादातर फिक्सर्स और ब्लैकमेलर्स बनते जा रहे हैं।
इस भावना से मैं सहमत नहीं हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि आप मेरे से सहमत हैं या उन सूत्रों से सहमत हैं? मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। इस सवाल से जो व्यक्ति कल को पत्रकार बनना चाहता है वो कैसे गिर गया, वो कैसे खुद को एड्रेस करेगा? मुझे सर, मैं बात कह रहा हूँ, आपने एक सवाल पूछा है, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? देखिए, कोई फिक्सर है, कोई ब्लैकमेलर है, हकीकत क्या है दोस्तों कि लोग कैमरे पर पकड़े गए हैं एक्सटॉर्शन करते हुए। जाइए ढूंढिए यूट्यूब पर, वो लोग उसी के चक्कर में तिहाड़ जेल में वक्त बिता चुके हैं, मगर आज की तारीख में वो 9 बजे का प्राइम टाइम शो कर रहे हैं और वो आपके आपके हीरो बने हुए हैं। ये है हमारी बैंक्रप्सी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारी हकीकत है। एक संपादक को एक बड़ा चैनल सैक करता है सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के लिए, कुछ साल बाद वापस उसे हायर कर लेता है। एक पत्रकार जो राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करता है, उसका नाम आया अभी मीटू में सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर। तो देखिए, वो दोहरे मापदंड की आप बात ना करें, अब वो एक अलग विषय है। मेरी आपसे देखिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं, मगर आज हमारे पहला दिन है। आप मुझसे वो सवाल पूछिए जो आपको मदद करेंगे, कृपया मुझे अपना ज्ञान ना दें। आप मुझसे वो सवाल पूछें जो अगले 5 साल आपकी मदद करेंगे, जो मैं अपने तजुर्बों से आपको बता सकूं। मैंने आपको मेरा बताया, मैंने कहां कहां काम किया है। तो अगर तो आपको यह पूछना है कि साहब देश कहां जा रहा है, यार मेरा उसमें आप मैं क्या बोलूं, देश कहां जा रहा है, पत्रकार कहां जा रहा है, ठीक है यार जाने दो ना भाई। मैं आपसे कह रहा हूं उनसे वो सवाल पूछिए जिनसे आपका भला हो। ये सब सवालों का जवाब आई होगा आंसर डे अभी। साहब जी, मैं यही चाहता था कि आपसे सुनना कि हम लोग अभी पत्रकार आकर सीखने के लिए आए हैं, उनके लिए आप क्या मतलब हिंट्स देंगे या गाइड करेंगे ताकि इस दलदल से बचने से हम अपने को सक्षम पा सके। ये मेरा प्रश्न था। ठीक ठीक, मेरा प्रश्न कोई उपदेश लेने का नहीं था, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप बताइए ना, आप मुझे हमें ये बताइए, आप जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, आप लोग जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ने वाला है कि कौन फिक्सर है और कौन ब्लैकमेलर? क्योंकि कल को आप उन्हीं के अंडर काम करेंगे, तो क्या उसमें बराबर का झंडा उलम करेंगे आप? गुड मॉर्निंग सर जी। सवाल मेरा ये है कि आज के दौर में जहां ज्यादातर पत्रकारिता के जो संस्थान है वो एक पर्टिकुलर विचारधारा के बनते जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसे में हम नए स्टूडेंट्स कैसे खुद को निष्पक्ष रख सकते हैं? देखिए, दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। मैंने जो आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिया ना, उसका मकसद ये था कि आप उन डिसिप्लिन पे फोकस करें, आसपास चीजों पर ध्यान ना दें। राजनीतिक दबाव क्या होते हैं संस्थानों पर, वो एक पूरी तरह से अलग विषय है मेरे दोस्त, उस पर हम कभी और बात करेंगे। मगर राइट नाउ योर प्रायोरिटी हैज टू एनरिच योरसेल्फ एज अ जर्नलिस्ट, कि आप उस विधा को कैसे बेहतर बनाएं। मैं एक मूवी बाफ हूं, मैं आपको मशवरा देता हूं, दो फिल्में देखिए, स्पॉटलाइट एंड द इनसाइडर, ये दो फिल्में देखिए, आपको पता चलेगा पत्रकारिता की क्या चुनौतियां होती हैं। देखिए, रही बात राजनीतिक दबाव की, कई चीज बहुत खुली होती हैं, कुछ संस्थाओं में यज्ञ कराए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ संस्थाओं में बुनियादी सुविधाएं विद्यार्थियों को नहीं है, मगर गौशाला बना दी गई, ठीक है, मगर आप क्या सही और गलत के बीच का फर्क जानते हैं? आप जानते हैं, जो मैंने रिपोर्ट दिखाई थी ऑपरेशन लाल जंगल, उसका एक पात्र था एस आर कलूरी, आप में से कौन कौन जानता है कौन कौन एस आर आईजी के बस्तर, यह आदमी खुलेआम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पत्रकारों को गंदी गंदी गालियां देना,
इस आदमी ने एक पत्रकार को सिर्फ व्हाट्सएप पर जोक डालने के लिए जेल में डाल दिया। इसने संतोष यादव जैसे पत्रकार जो लगातार आदिवासियों की बात करता है उसे 6 महीने उस धारा के तहत जेल में रखा जो कि हार्डन्ड नक्सल्स के लिए बना है, CSPCA। मगर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इस शख्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कॉम ने बुलाया एज चीफ गेस्ट, ठीक है बुला लिया, मगर त्रासदी क्या थी दोस्तों कि आप जैसे पत्रकार उस आदमी के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। दैट इज माई प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम इज नॉट कि कोई गौशाला खोल दे, कोई यज्ञ कराए, कराइए आपको जो कराना है। मेरी प्रॉब्लम है उन पत्रकारों से जो सेल्फी खिंचवा रहे थे। मेरी प्रॉब्लम उन पत्रकारों से है जो जानते हैं कि फलाने यूनिवर्सिटी में देयर इज अ प्रॉब्लम विद इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर वो उस प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाएंगे। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, अगर आप अपने फेसबुक पन्ने पे फलाना पॉलिटिशियन की तस्वीर लगाकर दूसरे लोगों को गाली दे रहे हैं तो पत्रकारिता आपके लिए नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसे कई मंच हैं अभी भी जो हार्डकोर प्रो एक प्रो किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हैं, मगर अगर आप किसी राजनेता का की तस्वीर लाके उसकी जय जयकार कर रहे हैं, नहीं जय जयकार, ये आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, मगर अगर आप दोहराव नफरत फैला रहे हैं तो फिर पत्रकारिता आपके लिए नहीं। आई एम श्योर आप जैसे जुझारू युवकों की जरूरत पोलिटिकल पार्टीज में जाइए आप वहां पे, मगर पत्रकारिता को बदनाम। एनी मोर क्वेश्चंस? सर, जब एक एंकर एंकरिंग के लिए भी प्रश्न है भैया, जब कोई राजनेता से किसी भी तरह का प्रश्न किया जाता है तो वो उस सवाल का जवाब ना देते हुए अपनी वही पुरानी बातें हैं जो दोहराते हैं, तो आप उसके और एक एंकर का या एक पत्रकार का ये काम होता है कि वो जो सिटीजन्स हैं, जो आम आदमी है, उस तक उस राजनेता की जो बातें हैं वो निकाल कर लाए, तो आप कैसे उसकी बातों को निकाल कर लाएंगे? जैसे मैंने कहा आपके सामने मैं मिसाल भी दी, मुद्दे पर बने रहिए, मुद्दे से भटकने मत दीजिए, मगर मौजूदा दौर में ये व्यावहारिक नहीं है। आपने कई प्रोग्राम्स में देखा होगा जहां मिनिस्टर सवाल किया जाए और मिनिस्टर गुस्से से उठ जाता है, ये देखने को मिल रहा है, और फिर उस चैनल में ही उस पत्रकार को हाशिए पर रख लिया जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। अदिति यहां है, वो समझ गई मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो कहने का अर्थ यह दोस्तों कि ये आइडियल सिचुएशन है, अगर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मैं आपको भ्रमित नहीं कहूंगा ये कहेगी कि नहीं आप तले रहिए, हो सकता है कि आप बाइक लेने जाएं, आप मिनिस्टर के पीछे पड़ जाएं, आप सही हो, आप उसको लगातार सवाल पूछे, वो बच रहा हो, आपने सवाल किया, मगर आप जब दफ्तर वापस गई तो आपके एडिटर ने कहा तुम्हें बात नहीं करने की तमीज सेक्रेटरी से, ये हो सकता है मगर ये नहीं भी हो सकता है। तो मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर सर। एक सवाल से इसके सर यही क्वेश्चन है, उधर कोई पूछ रहा था, उधर कोई पूछ रहा था सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन एंकरिंग से है कि आजकल प्राइम टाइम के एंकर बहुत चीखते और चिल्लाते हैं क्या आपको नहीं लगता कि प्राइम टाइम में जो चर्चा होनी चाहिए या जो हो रही है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है धीरे धीरे? आपने सवाल का जवाब दे ही दिया सर। मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले 10 या 12 सालों से न्यूज चैनल्स देखना छोड़ दिया है, पिछले 5 सालों से नहीं, 10-12 सालों से। आज भी मेरे घर में सिर्फ नेटफ्लिक्स चलता है, अमेजॉन चलता है, प्राइम वीडियो चलता है। मेरा जो न्यूज का इनपुट है वो न्यूज़पेपर्स हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग वेबसाइट्स पे आते हैं। आई डू नॉट वॉच टेलीविजन,
जो आपको सोचकर अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अगस्त तक मैं एक न्यूज चैनल में काम कर रहा था। मगर उससे 10 साल पहले आपको एक बहुत दिलचस्प इंसिडेंट बताता हूं। एक दिन मैं सुबह 9:10 बजे की बात है और मैं घर में बैठा और अचानक मेरे पास कॉल आया, अभी सर अभी फोनो दो, फोनो फोनो समझते हो, लाइव फोनो फोनो दो, अभी तो मैं पैच कर रहा हूं। और उसने सुना ही नहीं और मुझे पैच कर दिया। तो बीच में क्या होता है, वो एक पीसीआर वाला होता है, आपसे थोड़ी देर के लिए बात करता है वो। तो उसने बोला हाँ भाई अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। तो मैं बोला क्या बात है तो बताओ। तो अच्छा फॉर सम रीजन वो एंकर क्या बोल रहा था मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो पता नहीं क्या हुआ, उसने सुन लिया मुझे या नहीं सुना। उसने फिर बोला कि हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। मैं बोला मुझे बताओ तो सही क्या बात है। अच्छा उसने भी शायद ये मान लिया होगा कि मुझे पता होगा, क्योंकि वो भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी। और खबर क्या थी, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार दिया। बिकॉज आई डोंट वॉच टेलीविजन। अब वो खबर शायद 15-20 मिनट पहले आई होगी, मगर ये लोग अज्यूम करते हैं कि लोग घरों में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं या न्यूज चैनल ही देख रहे हो। मेरे घर में कभी भी न्यूज चैनल का शोर नहीं होता, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति भी है। वो नकारात्मकता मैं अपने परिवार में अपने 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 बच्चों में उनकी सोच में नहीं लाना चाहता हूं। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, मगर शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी ना। आप लोग कम से कम एक जहन में बात बनाई, कल को आप लोग एडिटर्स होंगे, आप लोग एडिटर्स होंगे, मगर अगर आपको उसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा होना है सो बी इट। अगर आपको उसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा होना है जिसके तहत उसी तरह की नफरत उसी तरह का दोहराव फैलाया जाता रहे तो फिर कोई जवाब नहीं इसका। मगर अगर आप ये महसूस आज कर रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे 10-15-20 साल बाद जब आप संपादक बनेंगे तो आप वो चेंज लाने की कोशिश करेंगे। सर सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, अगर मैंने किसी और को बोल दिया ना तो फिर कई लोग खड़े हो जाएंगे, तो मेरी ये मजबूरी है, मुझसे कहा गया तो वो लास्ट क्वेश्चन है। सर मैं बता चुका हूं आपको, म्यूजिक सुनिए, मूवीज देखिए, गर्लफ्रेंड को अवॉइड मत कीजिए, वो आपको अवॉइड करे मैं नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच सर।